हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रयान टाइम्स। रयान टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ बाप शरीफ। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जो राइट साइड में पहले न्यू ओल्ड पुलिस स्टेशन हुआ करता था, ये राइट साइड में बाप शरीफ का, और लेफ्ट साइड में तो एक मैदान है। तो मैं इस वक्त हूँ बाप शरीफ के मेन रोड पर, हम जा रहे हैं बाप मक्का की तरफ। देख सकते हैं आप, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखते रहें रयान टाइम्स। तो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, इस वीडियो में जो आज का हमारा व्लॉग है, इसमें मैं जो हिस्टोरिकल एरिया है डाउनटाउन, उसको सारा को कवर करने वाला हूँ। जो बट डिफरेंट क्या रहेगा कि आज मैं कवर जो है बाई रोड करने वाला हूँ, यानी अंदर का हिस्सा मैं कवर नहीं करूँगा, ऑन रोड यानी रास्ते से ही मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखते रहें रयान टाइम्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए, और हाँ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो आप देख रहे हैं बातों ही बातों में हम पहुंच गए बाप मक्का के पास। जी हाँ, देख रहे हैं वो दूर जो बाप है, बाप मक्का राइट साइड में देख रहे हैं, रीडेवलपमेंट का जो वर्क चल रहा है। ये हम आ गए हैं एक बार फिर से मोगप के पास, यानी बाप मक्का पार्किंग के पास। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं बाप मक्का। देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में जो है वो 16 मरकज 16 है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं वो दूर, ये मैं सर्विस रोड से लिया हूँ, ये पेट्रोल पंप महत्ता, और वो किंग अब्दुल अजीज मस्जिद, और ये हो गया दफा मदनी। मैं मेन रोड से कवर नहीं किया हूँ, थोड़ा यहाँ पर सर्विस रोड ले लिया हूँ। फिर से अपन मेन रोड पे जाएंगे, जस्ट यहाँ पर मस्जिद के पास से लेफ्ट टर्न होंगे और फिर से हम मेन रोड पर वापस जाएंगे। मकसद है इस वीडियो में सारे एरिया को कवर करना, वो बाय रोड। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फुटेज है। यहाँ से बस जस्ट टर्न लेते हैं, यू टर्न बोल सकते हैं। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जी हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर फिर एक से एक बार हम आ गए हैं मैन रोड पर। जी हाँ, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रहा है ये मज़दा का शोरूम है। राइट साइड में देख रहे हैं मज़दा, यहाँ से अपन फिर से लेफ्ट होंगे, लेफ्ट साइड। ये रास्ता पहले चौड़ा हुआ करता था ज़्यादा, बट देख रहे हैं रोड नैरो हो गया, यानी तो पतला हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीडेवलपमेंट वर्क के तहत रोड को थोड़ा कम चौड़ा किया गया है, पहले ज़्यादा चौड़ा था ये रोड। अगर आप लोगों ने गौर किया है पहले, अभी में तो कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा, यही डिफरेंट है। ये देख रहे हैं ये नया जो है, ये रेड सी फिल्म फेस्टिवल के तहत बना था यहाँ पर। एक बार फिर हम आ गए हैं खारजिया के पास। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं खारजिया सर्कल बोलिए या गुलंबर बोलिए, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो में सीधा हम जाएंगे सारे से तीन वाली जो रोड है वहाँ पे जाएंगे, जो सर्कस लगी हुई है, बट अपने को लेफ्ट होना है। देख सकते हैं वहाँ मस्जिद दिखाई दे रही है,
आप देख सकते हैं, बलद की ऊंची ऊंची इमारतें। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये होटल रेड सी होटल है ये। वो वहां दिखाई दे रहा है आले साई प्लाजा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आने वाले वक्त में और आपको मिलती रहे। यहाँ पर दोस्तों सीधा हम नहीं जा करके लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट में कुछ काम है मुझे, लेफ्ट में तो लेफ्ट में हम जाएंगे। सारे धाब जो है जिस तरफ खसब कुबरी है, जी हाँ उस तरफ जाएंगे। तो देखते रहिए रियान टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सारे धाब पर। जी हाँ, ये सारे धाब है देख रहे हैं, वो खसब कुबरी है। तो अब यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे, कुछ काम है मुझे, उसके बाद फिर से अपने सफ़र पे निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे काम था इसलिए वो मैंने कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये रॉयल होटल है सारे धाब पर, ये रॉयल होटल। थोड़ा जाम लगा हुआ यहाँ पर, ये रास्ता बंद है, सीधा नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ से यू टर्न मार रहे हैं। फिर से यहाँ से यू टर्न मारते हुए खारजा के पास होते हैं, फिर से अलबला जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आप देखते रहें रियान टाइम्स। आप देख सकते हैं खसब कुबरी दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुबरी की खासियत यह है, खसब यानी लकड़ी, लकड़ी होता है ये कुबरी जो है, लकड़ी का ही बना हुआ है, इसलिए इसे खसब कुबरी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं खारजा के पास, वो आप देख रहे हैं सबको की बस, सबको की बस जा रही है। हम खारजिया सर्कल से गोलम्बर से एक बार फिर से राउंड मारेंगे और बलद के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा साफ साफ वीडियो में। जी हाँ दोस्तों,
जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं बलद में। जी हाँ, अल बलद, वो आप देख रहे हैं मरकज़ अल मैमल सेंटर के दोनों बिल्डिंग जो है, इस साइड उस साइड वाली दोनों साथ में जुड़ी हुई हैं। ये लेफ्ट साइड में इमारत अल मलिका क्वींस बिल्डिंग, राइट साइड में बैठने की जगह है और वो मरकज़ अल मैमल। देख सकते हैं इस वक्त हम बलद आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम बलद में हैं। बलद से अब जाएंगे बाब शरीफ की तरफ। तो जो लोग काफ़ी दिनों के से नहीं देखे हैं, वो आप देख सक कर अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं। ये है बलद का लेटेस्ट हाल, ताज़ा तरीन हाल। जी हाँ दोस्तों, राइट साइड में ट्रेन वाली बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि अब टूट चुका नहीं है। यहाँ पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये मस्जिद, इस तरफ से हम जा सकते थे सरेदा पर, और ये सीधा जा रहे हैं बाब शरीफ की तरफ। अभी जो है सप्तों की बस अब यहाँ से जाती है। ठीक इसी पॉइंट से आपको सप्तों की सिटी बस मिलेगी। पहले इंजन के पास से खुलती थी, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अब इस पॉइंट से सप्तों की बस खुलती है। जी हाँ, ये सप्तों बस स्टेशन एक तरह से कह सकते हैं। हम देख सकते हैं एक बस भी लगी हुई है, और भी बस थी उस तरफ जो कि वीडियो में कवर नहीं हो पाया है। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं बाब शरीफ की तरफ। ये देख सकते हैं ये पार्किंग है, लेफ्ट साइड में सुगल खास किया है हमारे, और राइट साइड में जो क्या बोलते हैं उसको, सुगल जुनूबिया की तरफ गया है। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाब शरीफ इशारा की तरफ। ऑलमोस्ट बाब शरीफ इशारा के पास पहुंच चुके हैं, बट रश ज़्यादा लग रहा है, जाम। तो थोड़ा हमें अब यहाँ से आगे बढ़ने में डिले होगा, क्योंकि यहाँ से आमतौर पर आजकल जाम लग जाता है। तो यहाँ से थोड़ा डिले होगा, जाम में फंस चुके हैं हम लोग। तो ये जो हमारा आज का व्लॉग है, ये जद्दा डाउनटाउन के ऊपर है। बिल्कुल, ये है जद्दा डाउनटाउन, देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे हम इशारे की तरफ बढ़ रहे हैं। सारा ग्रीन हो चुका है, सिग्नल दिखाई दे रहा है यहाँ से, बट गाड़ी रेंगती हुई चूँकि रश ज़्यादा है, जाम का सिचुएशन है, इसलिए बिल्कुल हम इशारा के पास पहुँच चुके हैं। और अब धीरे धीरे ये है बाब शरीफ। जी हाँ दोस्तों, और हमने इशारा पार कर लिया है, और हम जा रहे हैं बाब मक्का की तरफ। तो यहाँ से बस बाब मक्का तक की जर्नी करेंगे, उसके बाद हमारा वीडियो इंशाल्लाह क्लोज़ होगा। तो आप लोग देखते रहें रयान टाइम्स। समोसा खाते हैं, समोसा कुंची हो, आलू पालू वाला नहीं हो, अरबी वाला, अरबी भी यमनी वाला। बार तो बल्ले आ ही ला गई, इलाज तीसरी बार हमारे हिसाब से।
जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं बाब मक्का। जी हाँ, ये हमारा सफ़र यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पे आकर ख़त्म हुआ है। तो सारा सर्कल जो है वो ऑलमोस्ट हम घूम चुके हैं, डाउन टाउन जो भी है हिस्टोरिकल एरिया। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, खुदा हाफिज़।